हेलो बच्चों, माय नेम इज सुनील कुमार और आज हम करने वाले हैं क्लास टेंथ की साइंस का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो बच्चों, मैं इससे पहले दो वीडियो जो है वो बना चुका हूँ टेंथ क्लास के चैप्टर पर, जिसपे हमने किसी एलिमेंट के ऊपर चार्ज कैसे कंपाउंड्स बनते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। और मैंने कहा था कि ये बेसिक चीज़ें हैं कि अगर हमें ये चैप्टर सही से करना है, दैट मीन्स कि अगर मुझे बैलेंसिंग को सीखना है, जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना बात ये कि हर साल जो है वो बोर्ड एग्जाम्स के अंदर बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन पूछा जाता है, और उसको करने के लिए आप वो दो वीडियोस अच्छे से देख लेना, उनको अच्छे से समझ लेना कि कैसे कंपाउंड जो है वो बनाए जाते हैं। क्लियर? तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं चैप्टर की शुरुआत, जिसमें सबसे पहले हमारे पास जो बात आती है केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो आई होप मेरे हिसाब से मैंने आपको उस दिन पहले बता दिया था कि जो केमिकल रिएक्शंस हैं ये क्या है। हमने कुछ एग्जांपल लिए थे, जैसे कि एक एग्जांपल लिया था जिसमें हमने आयरन को एसिड के अंदर, तेजाब के अंदर डाला था, जिससे वहां से हाइड्रोजन H2 गैस का क्या हुआ था, लिब्रेशन हुआ था। मतलब फेरस प्लस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया था जिसे FeCl3, और साथ में कौन सी गैस निकली थी, हाइड्रोजन गैस। हमने टेम्परेचर के बारे में भी बात की कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है, अगर मैं इसको क्या करता हूँ, वाटर के अंदर ऐड करता हूँ, तो क्या बनता था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। और इससे आपको क्या मिलता था, क्विक लाइम से सोडा लाइम बनता, और साथ में क्या मिलती थी, हीट, मतलब टेम्परेचर में भी क्या आता था, चेंज आता था। तो ये सारी जो चीज़ें थी वो क्या थी, वो केमिकल रिएक्शन थी। तो हम डेफिनेशन की अगर बात करें कि ये केमिकल रिएक्शन क्या है, तो क्या है केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इज दैट इन विच a chemical change occurs, that means कि जब भी कोई chemical change आता है, तो हम कहते हैं कि वहां पर क्या हुई है, एक केमिकल रिएक्शन हुई है। क्लियर? और बच्चों याद रखना, ये जो चेंज है ये कौन सा चेंज होता है, परमानेंट चेंज है। क्लियर? परमानेंट चेंज होता है, ठीक है। तो बात की, एंड दिस कैन बी, ये भी याद रखना कि केमिकल रिएक्शन इज दैट इन विच ए केमिकल चेंज अकर एंड इट इज सिंबोलिकली रिप्रेजेंटेड या एक्सप्रेस्ड इन केमिकल इक्वेशन, क्या बोला हमने कि केमिकल चेंज क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है, कि जब भी कोई केमिकल चेंज आता है, दैट मींस कि ऐसे चेंज जिनको हम इजीली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो ऐसे जो चेंजेस होते हैं, जो परमानेंट चेंज होते हैं, इन्हीं को केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। और किसी भी केमिकल रिएक्शन को एक्सप्रेस किया जाता है सिंबल के रूप में, किसके अंदर करते हैं, केमिकल इक्वेशन के अंदर करते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन प्रेजेंस ऑफ एयर, मतलब हमने क्या किया है, मैग्नीशियम को एयर की प्रेजेंस में जलाया था, ठीक है ना। अगर मैं इसको क्या करता हूं, रिएक्शन को लिखूं, तो क्या लिखूंगा, यहां लिख दिया हमने मैग्नीशियम। क्लियर बात बच्चों? ये और ये क्या किया, ये तो बड़ा फॉर्म है ना उसका, कि हर बार ऐसा थोड़ी बोलते रहेंगे, मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, देन वहां पर क्या होता है, जब भी इसको जलाया जाता है बच्चों, तो वहां पे व्हाइट फ्लेम, डैजलिंग फ्लेम निकलती है, ठीक है ना, मतलब सफेद कलर का पाउडर बन जाता है जब भी उसको जलाते हैं, तो वो क्या होता है, किसके अंदर कन्वर्ट है, मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। वो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो सफेद कलर का पाउडर है, और जलाने से जो फ्लेम निकलती है वो भी कैसे निकलती है, व्हाइट कलर की फ्लेम जो है वो निकलती है, ठीक है ना। तो अब इसको हर बार ऐसा थोड़ी देर बोलेंगे, तो क्या किया कि उन्होंने ना इसको थोड़ा सा एक छोटा फॉर्म दे दिया। इसका मतलब कि जो इक्वेशंस हैं, क्या चीज है, जो केमिकल इक्वेशन है, कोई बड़ी चीज नहीं है, बड़ी डील नहीं है ये केमिकल इक्वेशन। इन रियल क्या है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना, शॉर्ट फॉर्म ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हुई है और अगर हम उसको लिखना चाहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक है ना, कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। हमने कुछ एग्जांपल भी देखे थे कि हीट का इवोल्यूशन होता है या क्या चीज़ें होती है, मतलब अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन को ऑब्जर्व करना है तो क्या क्या चीज़ें हमें ऑब्जर्वेशन में लानी पड़ती है, देखना है कि केमिकल रिएक्शन हुई कि नहीं। तो हमें देखना था कि बच्चों वहाँ पर स्टेट में चेंज है या नहीं,
आफ्टर दैट क्या उसकी ओडोर मतलब स्मेल में चेंज आता है या नहीं, फिर हम देखते हैं कि उसके टेम्परेचर में कोई चेंज आया है या नहीं, और अगर ये है तो इसके बाद देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब कोई गैस वहाँ से निकली है या नहीं निकली है, मतलब कि अगर इन सब चीज़ों के अंदर चेंज आए तो हम उसे क्या बोलते हैं कि भाई केमिकल रिएक्शन हुई है, और केमिकल रिएक्शन हुई है तो हर बार ना ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि व्हेन आयरन इज मिक्स्ड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड फेरिक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस आर इवोल्व्ड, ऐसा थोड़ी बोलते रहेंगे, इसको हमें किसी शॉर्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, मतलब केमिकल रिएक्शन को सही ढंग से लिखने के लिए हमें ज़रूरत है किसकी, केमिकल इक्वेशन की, और व्हाट इज ए केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, तो मतलब मैं इसी को मैग्नीशियम को हमने लिखा, इसकी रिएक्शन को अगर मैं लिखता हूं तो कैसे लिखूंगा, मैग्नीशियम इज बर्न्ड किसके साथ जलाया गया, ऑक्सीजन के साथ, मैग्नीशियम को किसके प्रेजेंस में जलाया गया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और क्या मिला बच्चों वहां से, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, क्लियर बात ये, तो इसका मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो तो हमारे पास क्या, एक केमिकल रिएक्शन होने के बाद में जो चीज़ बनी ना वो है हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो बच्चों जो केमिकल चेंज होने के बाद मिलता है उसे कहा जाता है प्रोडक्ट, उसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, और जो हमने जिनमें केमिकल चेंज आया है जिनके कारण केमिकल चेंज आया है उनको क्या कहा जाता है, रिएक्टेंट, ठीक है ना, तो ये तो क्या है, इन विच केमिकल चेंज टेक प्लेस, इन विच केमिकल चेंज टेक प्लेस, कि ये वो चीज, ये वो हैं जिनके बीच में क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, मतलब जिनको मिलाने से केमिकल रिएक्शन हुआ वो रिएक्टेंट है, और इनको मिलाने के बाद में जो हमारे पास मिला वो हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, और याद रखना कि रिएक्टेंट्स अगर दो या तीन हैं तो हमेशा किसका साइन यूज किया जाता है, प्लस का, अगर वहाँ पर प्रोडक्ट भी हमारे पास मान लीजिए कितने होते, दो होते, तो हम वहाँ भी किसका साइन यूज करते, प्लस का साइन यूज करते, तो बच्चों किसी भी इक्वेशन को ऐसे लिखना इसे कहा जाता है वर्ड इक्वेशन, क्या बोलते हैं इसे, वर्ड इक्वेशन के नाम से जानते हैं, मतलब हमने क्या किया है सिर्फ इसको सिर्फ वर्ड फॉर्म में लिख दिया, इसको देख करके हम ये बता सकते हैं, इससे हमें ये पता चल जाएगा कि क्या है क्या, कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रखा गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, और ऑक्सीजन तो हमें पता है कि क्या करती है, बर्न करने में मदद करती है, इसका मतलब मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्लियर बात ये हो गया ना, क्लियर, तो इसका मतलब ये जो रिएक्टेंट है और ये हमारे पास क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है, और किसी भी इक्वेशन को ऐसे लिखना क्या कहलाता है, वर्ड इक्वेशन कहलाता है, लेकिन हर बार ऐसा लिखना भी तो सही नहीं था, क्लियर, ये डेफिनेशन नोट रखना, आप लिखते रहना साथ के साथ, कि हर बार जो है वो ऐसा लिखना भी तो सही नहीं था ना, ये भी तो कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं थी, तो अब उन्होंने क्या किया, एक और इक्वेशन बनाई जो क्या है, और भी वर्ड इक्वेशन को जो क्या करती है, जो वर्ड इक्वेशन बनती है, वर्ड इक्वेशन का मतलब अगर ये बोलें कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तो कैसे लिखते हैं, हाइड्रोजन, ठीक है ना, प्लस में क्या, ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाते हैं, वाटर का फॉर्मेशन, तो आगे क्या लिख देंगे, वाटर, ऐसे लिखना क्या कहलाता है, वर्ड इक्वेशन कहलाता है, जैसे ये थी वो वर्ड इक्वेशन थी, लेकिन वर्ड इक्वेशन की एक और शॉर्ट फॉर्म बनाई गई जिसे कहा जाता है फॉर्मूला इक्वेशन, क्या बोलते हैं बच्चों, फॉर्मूला इक्वेशन, और इक्वेशन तो आप जानते हो क्या होती है, जो किसी केमिकल रिएक्शन को इजिली रिप्रेजेंट कर सके, हमें समझा सके कम शब्दों के अंदर, तो अब इसमें क्या किया गया, किसी भी वर्ड की जगह पर यूज किया गया उनके सिंबॉलिक फॉर्मूलाज को, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, H2 है, प्लस में ऑक्सीजन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है बच्चों, O2 है, वाटर का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है आपके पास, H2O होता है, इस इक्वेशन के लिए अगर लिखते तो मैग्नीशियम का क्या होता, Mg, ऑक्सीजन का क्या होता, O2, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या बनता, MgO, याद है ना, मैग्नीशियम पर प्लस टू चार्ज, ऑक्सीजन पर माइनस, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक एक की ही हमें ज़रूरत है उनके चार्ज को बैलेंस करने के लिए, क्लियर, तो ये था बच्चों किसके बारे में, कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को कितनी फॉर्म्स में लिखा जा सकता है, कितनी फॉर्म है हमारे पास, दो हैं, केमिकल रिएक्शन है और एक क्या है, केमिकल इक्वेशन है, जिसमें जहां पर केमिकल चेंज होता है उसे तो बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो चेंज होने के बाद बनता है उसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, मतलब मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमारे पास बनता है ये क्या है,
प्रोडक्ट है। तो आई होप बच्चों आपको ये तो क्लियर होगा, है ना। ऑब्जर्व कैसे करते हैं कि स्टेट में, ओडो में, अगर इनमें चेंज आता है तो केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो हमने ये देखा कि केमिकल रिएक्शन क्या है, इसके बाद में हमने सीखा कि कोई केमिकल इक्वेशन को कितनी टाइप से लिखा जाता है, दो टाइप से, जहाँ पर पहले इजी पोर्शन बनाया गया वर्ल्ड इक्वेशन और उसको भी इजी करने के लिए बनाया गया है फॉर्मूला इक्वेशन, मतलब हमें सिर्फ फॉर्मूला जो है इनके पता होने चाहिए, क्लियर। आफ्टर दैट हमारे पास कुछ बातें हैं केमिकल इक्वेशन को लेकर के, वो समझिए। मैं फर्स्ट एग्जाम्पल को लेता हूँ, वो देखिए आप, ये हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम है, यहाँ पर क्या है आपके पास, ऑक्सीजन है, ठीक है ना। ये फिर हमने एक एरो लगाया है, यहाँ हमने क्या लिख दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख दिया। एक और एग्जांपल ले लिया हमने, अगर मैं इसको बैलेंस करता हूँ, सिखाया जाएगा कि बैलेंसिंग क्या है, उन्हें क्या कहते हैं, देख लो एक बार। ये जो दोनों हैं ये क्या हैं बच्चों, ये रिएक्टेंट हैं, ये दोनों क्या हैं, रिएक्टेंट हैं। ये जो मिला है इसे क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट कहा जाता है, मतलब रिएक्टेंट से क्या बना, प्रोडक्ट बना। और फिर उसके बाद ये जो एरो का साइन है, ये एरो साइन ऑलवेज हमें क्या रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्शन किस तरफ हो रही है, फॉरवर्ड हो रही है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट से क्या बना, प्रोडक्ट बना, रिएक्टेंट से क्या बना है, प्रोडक्ट बना है। अगर मैं इसी रिएक्शन को यूं लिख देता तो इसका मतलब क्या होता कि मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg प्लस में O2, इसका भी मतलब यही है, ठीक है ना। ये क्या है, रिएक्टेंट, ये क्या है, प्रोडक्ट। लेकिन हमारी बुक्स के अंदर हमेशा रिएक्टेंट को कौन सी साइड रखा जाता है, लेफ्ट साइड में, और प्रोडक्ट को कौन सी साइड में रखा जाएगा, राइट साइड में। और जो एरो है वो हमेशा लेफ्ट से किसकी तरफ होगा, राइट की तरफ, जो क्या रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। अच्छा, इससे अगर मैं मान लो कि है तो नहीं, लेकिन फिर भी अगर ऐसा एरो लगा देता तो इसका मतलब क्या होता कि इस रिएक्टेंट से क्या बन रहे हैं, ये प्रोडक्ट बन रहे हैं, क्लियर। तो ये एरो हमेशा क्या करेगा, रिएक्शन की मतलब कि रिएक्शन की टाइप को दिखाएगा कि वो फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है। बैकवर्ड का मतलब कि क्या रिएक्शन वापस हो रही है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉरवर्ड रिएक्शन है, उल्टा बनना शुरू हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, बैकवर्ड। और उसके लिए एरो जो है वो ये यूज किया जाता है, क्लियर। हमेशा इनके बीच में जितने भी रिएक्टेंट बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं, इसके लिए किसका यूज करते हैं, हम प्लस साइन का यूज करते हैं। तो इन बातों को ना, छोटी छोटी बातें हैं, इनको नोट रखना कि ये क्या है। आफ्टर दैट है बच्चों बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। लेकिन बैलेंसिंग की जरूरत ही क्यों पड़ी, पहले ये तो समझें कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती क्या है। ध्यान दो, इधर मैग्नीशियम है, इधर ऑक्सीजन है, और इससे बना क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। जरा यहां देखिए, मैग्नीशियम का एक एटम है, एक एलिमेंट है, और यहां भी कितना है, एक है, एक है। यहां ऑक्सीजन के कितने हैं, ओ के, ओ कितने हैं, दो, और यहां ऑक्सीजन कितना है, एक। तो ऐसा आपको दिख रहा है क्या कि यहां तो सर ऐसा हो गया कि एक तरफ ऑक्सीजन ज्यादा और एक तरफ ऑक्सीजन कम है, तो क्यों ना हम ये कर दें। लेकिन ऐसा तो होता नहीं, क्योंकि जब भी मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो सिर्फ क्या बनता है रिएक्शन में, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब हम अपनी मर्जी से कहीं भी कोई चीज प्लस माइनस तो नहीं कर सकते, हमें इन रियल पता होने चाहिए कि इन रिएक्टेंट से केवल यही प्रोडक्ट बनेगा। इसका मतलब हमें इसी इक्वेशन में कुछ देखना है, कुछ कमी देखनी है, और वो कमी क्या है, मास की कमी है। मतलब क्या है कि जितना वजन मैग्नीशियम का और ऑक्सीजन का लूंगा, उतना ही वजन तो किसका मिलेगा मुझे, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। मतलब मैंने क्या किया, एक बिकर लिया है, दूसरा बिकर लिया, दो चीजों को मिलाया, तो जितने जितने ग्राम वो चीजें दी, उतनी ही ग्राम टोटल मिलकर के सामने वाली बनेगी, समझ रहे हो। इसका मतलब कोई कमी थोड़ी ना आ गई, खा थोड़ी गए हम वजन को, वहां पे कम थोड़ी कर दिया हमने, क्लियर है ना बात। ये तो ये लॉ जो है वो क्या कहता है, एक लॉ बनाया गया जिसको कहा था कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या बोलते थे इसको, कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है ना। और इस लॉ ने क्या बोला कि मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ किसका, रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू, इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ किसका, प्रोडक्ट का, इक्वल ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। रीजन क्या था, एज मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एज मास
कैन नेदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, कि मास को ना ही तो बनाया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है ना, नोर बी डिस्ट्रॉयड। इट ओनली कैन ट्रांसफॉर्म, इट ओनली कैन ट्रांसफॉर्म, इसको क्या किया जा सकता है, सिर्फ ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, कि हम इसे क्या कर सकते हैं, किसी एक फॉर्म से किसी दूसरी फॉर्म में क्या कर सकते हैं, बस चेंज कर सकते हैं। मतलब कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग कि जितना रिएक्टेंट लेते हैं उतना ही क्या बनना चाहिए, प्रोडक्ट का बनना चाहिए, है ना, वो तो क्या बताया था मास। अब फिर प्रॉब्लम कि सर हमेशा मास थोड़ी याद रहेगा, तो उन्होंने बोल दी एक और चीज कि बोला एटम्स इन रिएक्टेंट, एटम्स इन रिएक्टेंट, कि रिएक्टेंट में किसी एलिमेंट के जितने एटम होते हैं उतने ही एटम्स इन किसके अंदर होने चाहिए, प्रोडक्ट में होने चाहिए। इसका मतलब अब आपको मास भी याद करने की ज़रूरत नहीं थी, हालांकि मास याद होने चाहिए हमें काफ़ी एलिमेंट्स के, लेकिन इसमें नहीं है कि जितने एटम मैं यहाँ पर क्या करता हूँ रिएक्टेंट के यूज करता हूँ उतने ही रिएक्टेंट कहाँ होने चाहिए, प्रोडक्ट में, क्यों, क्योंकि वो तो मास था और मास को ख़त्म नहीं किया जा सकता, मास को बनाया नहीं जाता, ये तो क्या होता है एक चीज़ से किसी दूसरी चीज़ में बदल जाता है। इसका मतलब ये वो एक चीज़ है, ये वो दूसरी चीज़ में बदल गया तो ख़त्म थोड़ी हुआ, तो ऑक्सीजन की कमी आ गई, है ना, ऑक्सीजन की कमी आई थोड़ी है, वो तो बस हमें क्या करना है उसको बैलेंस करना है। इसका मतलब किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास, मास को क्रिएट नहीं किया जा सकता, मास को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, मतलब जितना एटम्स और जितना मास जो है वो रिएक्टेंट में है किसी एलिमेंट का उतना ही किस में होता है, प्रोडक्ट में होता है। और यही कारण है कि हम क्या करते हैं किसी भी इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो बच्चों जब कोई इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं होती, अनबैलेंस्ड होती है, जब भी कोई इक्वेशन क्या होती है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन को कहा जाता है स्केलेटल, स्केलेटल इक्वेशन, क्या बोलते हैं उसे, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो बोलना सर कि इन रिएक्टेंट को मिलाने पर ये प्रोडक्ट बना, अगर मैं इसको फॉर्मूला के रूप में लिख देता हूँ बिना बैलेंस किए तो ये कहलाती है स्केलेटल इक्वेशन, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। क्लियर है बच्चों बात, ठीक है ना। तो आइए हम देखते हैं कि कमी किसकी थी। हमने देखा कि सर इधर मैग्नीशियम कितना है, मैंने एक टेबल बना लिया, यहाँ मैंने मैग्नीशियम लिखा, यहाँ मैंने क्या लिखा, ऑक्सीजन लिखा, फिर देखा कि रिएक्टेंट है, फिर देखा कि क्या है, प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट में मैग्नीशियम एक है, प्रोडक्ट में भी कितना है, एक है, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितने हैं, दो हैं, प्रोडक्ट में कितना है, एक है, इसका मतलब किस साइड कमी है, ऑक्सीजन की साइड, है ना, प्रोडक्ट की साइड सॉरी। तो मैंने क्या किया, इसे मल्टीप्लाई किया, लेकिन ध्यान दो कि ऑक्सीजन तो किसके साथ है, मैग्नीशियम के, अगर मैं मैग्नीशियम को दो से मल्टीप्लाई करता हूँ तो सॉरी ऑक्सीजन को करता हूँ तो साथ में किसके होगी, मैग्नीशियम के भी होगी, मतलब यहाँ भी कितने से होगी, दो से, तो दो ही Mg बन जाएंगे और दो ही क्या, ऑक्सीजन बन जाएंगे। फिर पता चला कि सर इधर दो से मल्टीप्लाई करने पर ऑक्सीजन तो कंप्लीट हो गए, लेकिन फिर क्या हो गए, यहाँ पर मैग्नीशियम एक्स्ट्रा हो गए, तो मतलब अब हमें रिएक्टेंट की साइड में क्या करना पड़ेगा, मैग्नीशियम को इक्वल करना पड़ेगा, तो यहाँ भी हमने दो से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है ना। तो देखो ये बन गया, अब ध्यान दो यहाँ मैग्नीशियम के कितने एटम हैं, दो, ऑक्सीजन के कितने हैं, दो, यहाँ भी कितने हैं, दो, इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ये क्या हो चुकी है, अब बैलेंस्ड हो चुकी है। क्लियर, तो आइए हम कुछ केमिकल इक्वेशंस को, रिएक्शंस को क्या करते हैं, बैलेंस करके देखते हैं। आई होप आपको ये तो समझ में आया होगा कि एक स्केलेटल इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है। क्लियर, अच्छा एक चीज और है वो भी देख लीजिए कि जब भी किसी रिएक्शन को हम बैलेंस लिखते हैं तो उसमें फिजिकल स्टेट क्या चीज़ यूज की जाती है, उन एटम्स की, उन मॉलिक्यूल्स की, उन कंपाउंड्स की जो हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में लेते हैं उनकी फिजिकल स्टेट ली जाती है, ठीक है ना। फिजिकल स्टेट का मतलब तो समझते हो, सॉलिड लिक्विड या क्या लिखा जाता है, गैस। फॉर एग्जांपल एस किसके लिए लिखते हैं, सॉलिड के लिए, एल किसके लिए लिखेंगे, गैस लिक्विड के लिए, जी लिखा जाएगा गैस के लिए, और ए क्यू ये किसके लिए लिखा जाता है बेटा, एक्वस सॉल्यूशन के लिए, किसके लिए लिखते हैं,
एक्वस सॉल्यूशन। अब इसका मतलब क्या है सर, ये तो सॉलिड पड़ा है, लिक्विड पड़ा है, गैस पड़ा है, एक्वस सॉल्यूशन क्या है? एक्वस में छिपा हुआ है एक्वा, और इस एक्वा का मतलब होता है H2। मतलब ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे सॉल्यूशंस जिनको बनाने के लिए क्या किसकी ज़रूरत पड़ी हमें? वाटर की ज़रूरत पड़ी। इसका मतलब पानी में जो घोल करके जो सॉल्यूशन बनाए जाते हैं, जिनमें वाटर की कंसंट्रेशन पाई जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है? एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर है बच्चों बात ये? ठीक है ना। तो हम ये क्या करेंगे, स्टेट्स भी किसी रिएक्शन के अंदर यूज करेंगे। तो आइए हम कुछ स्केलेटल इक्वेशन लेते हैं और उनसे बैलेंस करना सीखते हैं कि हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। अब तक ना हमने ये देखा है कि कोई केमिकल रिएक्शन क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है, कितने इनके क्या होते हैं, टाइप होते हैं, और इसके बाद हमने देखा कि बैलेंस करना ज़रूरी क्या है, क्योंकि कंजर्वेशन है मास का। तो अब हम बैलेंसिंग सीख रहे हैं कि कैसे है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक इक्वेशन ली कि फेरस प्लस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमने ली थी, फेरिक क्लोराइड मतलब FeCl3 और साथ में क्या करता है, H2 का लिब्रेशन करेगा। क्लियर बच्चों बातें? ये कौन सी है? ये स्केलेटल इक्वेशन है और हमें इसे क्या करना है, बैलेंस करना है। तो वो बन जाएगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या बन जाएगी वो? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर? आपने एक टेबल क्रिएट करो, हर बार नहीं करना, मतलब आप इतने फास्ट हो जाओगे, धीरे धीरे करोगे तो हर एक रिएक्शन को आप एक ही रिएक्शन में क्या कर दोगे, उसे में क्या कर दोगे, बैलेंस कर दोगे। लेकिन एक बार मैं बेसिक बात बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पर ना एलिमेंट्स लिखे हैं। क्लियर बच्चों? फिर इसके बाद यहाँ क्या लिख दिया हमने, रिएक्टेंट्स लिख लिए, ठीक है ना, रिएक्टेंट की साइड में, और यहाँ लिख लिए हमने कौन सी, प्रोडक्ट की साइड में। अब इसको ऑब्जर्व करो और ध्यान से देखो कि कौन कौन से एलिमेंट हैं सर। एक तो Fe है, फेरस है, एक क्या है, हाइड्रोजन का आइटम है, एक क्या है, मतलब क्लोरीन है, तो ये मिले हैं। इस साइड में फेरस कितना है, एक है, हाइड्रोजन कितना है, एक है, क्लोरीन कितना है, एक है, प्रोडक्ट में आयरन कितना है, एक, क्लोरीन कितने हैं, तीन, और हाइड्रोजन कितने हैं, दो, क्लोरीन एक, दो और तीन, ये हमें दे रखे। क्लियर? अब हमें तो बैलेंस करना था। ध्यान देखो, ध्यान से देखो कि यहाँ पर क्लोरीन तीन है और यहाँ पर क्लोरीन कितना है, एक है। मैंने ऐसा किया कि सर मैं ना रिएक्टेंट की साइड में क्लोरीन वाले को कितने से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तीन से, तो यहाँ तो तीन हो गए। लेकिन जब ऊपर देखा कि अगर मैं यहाँ तीन से मल्टीप्लाई कर दूँ तो अब हाइड्रोजन यहाँ कितने हो गए, तीन, और यहाँ कितने हो गए, दो, तो सर ये तो बैलेंस नहीं हो रहा। तीन और दो को क्या करेंगे, जैसे एक तरफ तीन है एक तरफ दो है, कैसे करें, इसको वन से करूँ या इसको टू से करूँ, नहीं होता ना। तो क्या किया हमने कि सर ये भी हाइड्रोजन को भी हमने तीन से मल्टीप्लाई किया तो ये भी कितने हो गए, तीन हो गए। लेकिन फिर तो हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गए। हाँ, क्लोरीन पूरे हैं, क्लोरीन इधर भी तीन है और इधर भी कितने हैं, तीन, लेकिन हाइड्रोजन इधर तीन है और हाइड्रोजन इधर कितने हैं, दो हैं। फेरस तो अब भी कितना है, एक एक है, नहीं हो रहा। तो मैंने दोबारा से क्या किया, जो हाइड्रोजन था इस तरफ और इस तरफ, इनका मल्टीपल चूज किया। मतलब थ्री का मल्टीपल कितना, थ्री टू जा सिक्स, टू थ्री जा सिक्स, तो इक्वल तो आते हैं। अर्थात अगर ऐसा कर दूं कि मैं इसको तीन से मल्टीप्लाई कर दूं ताकि कितनी हाइड्रोजन हो जाए, छः, और इसको अगर मैं दो से मल्टीप्लाई कर दूं ताकि कितनी हाइड्रोजन हो जाए, कितनी, छः, तो सर हाइड्रोजन तो पूरी होती है, तो मैंने यहाँ कितना लगाया, छः लगा दिया। लेकिन फिर पंगा पड़ गया सर, ये तो यहाँ क्लोरीन कितनी हो गई, अब छः हाइड्रोजन है, छः हाइड्रोजन इधर तीन से किया ना, तो ये हो गया हाइड्रोजन हो गए पूरे, क्लोरीन कितने हो गए, छः हो गए, लेकिन यहाँ तो क्लोरीन कितने हैं, तीन ही हैं। इसका मतलब यहाँ मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, छः से, ताकि ये कितना हो जाए, छः, और यहाँ कितने से, सॉरी ये तो हो गया, छः से किया ना, यहाँ कितने से करना पड़ेगा, दो तो पहले से थी, तो तीन तो पहले से थी, हमें इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, दो से, तो ये भी छः हो गई। मतलब अगर मैं इसे टू से करता हूँ तो टू थ्री जा सिक्स क्लोरीन, और इधर भी कितनी है, सिक्स क्लोरीन, लेकिन जब इसको टू से मल्टीप्लाई किया तो फेरस कितने हो गए, फेरस हो गए बच्चा दो। अगर ये दो हैं तो हमने यहाँ भी कितना लगा दिया, दो लगा दिया। इसका मतलब देखो, अब यहाँ फेरस दो हैं, यहाँ भी दो हैं, यहाँ हाइड्रोजन छः हैं, यहाँ भी कितने हैं, थ्री टू जा सिक्स हैं। ये ऐसे मत करना थ्री और टू फाइव हो गए, थ्री टू जा सिक्स है, ठीक है ना। आफ्टर दैट सिक्स अगर क्लोरीन है तो टू थ्री जा कितने हो गए, सिक्स हमारे पास क्या है, क्लोरीन हो गए। क्लियर बच्चों बातें? तो ऐसे करते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस। जैसे वो था, वो वाली थी ना इक्वेशन एम जी वाली,
उसमें क्या था, Mg प्लस में O2 क्या मिलेगा आपको, MgO। और देखा कि सर यहाँ तो दो ऑक्सीजन थे तो दो से मल्टीप्लाई किया, मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए भी हमने दो से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं क्या करता हूँ H2 प्लस में O2 को लेता हूँ तो इससे क्या बनेगा, H2O बनेगा, वाटर बनेगा। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन दो है, यहाँ भी दो है, लेकिन ऑक्सीजन तो यहाँ दो है, यहाँ कितना है, एक है। अगर दो से मल्टीप्लाई कर दूँ तो दो ऑक्सीजन पूरे हो गए सर, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, चार, लेकिन इधर तो दो ही हैं, तो इसका मतलब कितने से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इधर दो से किया, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गई, पहले स्केल्टन इक्वेशन थी और अब ये क्या बन चुकी है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का फॉर्मेशन कर लिया। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने रिएक्शन करवाई है बच्चों एल्यूमिनियम की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो ये क्या करता है, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, कारण इस पे एक पे माइनस एक तो तीन पे कितना, माइनस तीन, अकेले पे कितना, प्लस का तीन, तो तीन ही लगेंगे ना। और साथ में क्या करता है, H2 गैस का लिब्रेशन। तो देखो करो बैलेंस, एल्यूमिनियम छोड़िए क्लोरीन को देखिए, क्लोरीन कितनी है यहाँ पे, क्लोरीन कितनी है, तीन है, तो तीन से मल्टीप्लाई किया, लेकिन जब थ्री से किया तो थ्री हाइड्रोजन को, तो बैलेंस होता नहीं। तो सर वही तरीका, इधर थ्री, इधर कितना कर देंगे, सिक्स, ताकि पूरी हो जाए। सिक्स किया तो ये तो सिक्स नहीं है, तो यहाँ दो मल्टीप्लाई लगा दिया, दो किया तो एल्यूमिनियम दो हो गए, तो यहाँ भी हमने कितना, दो का यूज कर लिया। समझ में आई ना बात, ये तो ये आसान है तरीका। अब बस आप एक बार टेबल बना करके सीख लो चाहे इनको बैलेंस करना, बाकी मैं तो कहता हूँ कि इसको केमिकल इक्वेशन को अगर हम वहीं पे क्या करते हैं विदाउट स्टेप बाय स्टेप सीख करके सिंपली अगर बैलेंस करना सीख लें तो आई होप कि ये बढ़िया रहेगा हमारे लिए, ठीक है ना। तो ये हमारे पास है, आइए बच्चों कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम इस पर जो आपकी बुक में से ही हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, ये पेज नंबर 6 पे है एनसीईआरटी के अंदर, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपके पास कि व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, कि एयर में जलाने से पहले मैग्नीशियम की रिबन को क्लीन क्यों करना चाहिए, साफ क्यों करना चाहिए, क्यों? मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल है, ठीक है ना, मैग्नीशियम क्या है, रिएक्टिव मेटल है, और अगर मैं इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में खुला छोड़ देता हूं तो वो क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये यहां ना ये मैग्नीशियम था, उसके चारों तरफ क्या थी, एयर थी, एयर में क्या थी, ऑक्सीजन, उसने यहां पर इस वाले मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। अब जब भी मैं इसको बर्न करूंगा, जलाऊंगा, तो क्या जलेगा बाहर से, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम तो कहां रह गया, अंदर की तरफ रह गया, है ना। और जलता कौन है, मैग्नीशियम जलता है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, ना कि मैग्नीशियम ऑक्साइड करेगा। इसका मतलब ये जलना थोड़ा सा कम हो जाएगा, बर्न नहीं करेगा इजिली, अगर हम क्या करते हैं इसके चारों तरफ की मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हटाते नहीं है। तो यही तो क्वेश्चन है कि हटाना क्यों चाहिए, बिकॉज इट हैज द लेयर, है ना, ओन लेयर ऑफ किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड के, इसलिए इसको सबसे पहले सैंड पेपर से, जिसको हम रेगमार बोलते हैं, उससे क्या करते हैं, क्लीन करते हैं ऊपर से, ताकि उस परत को उतार दिया जाए और नीचे आपको क्या मिले, प्योर मैग्नीशियम मिले, ठीक है बच्चों। इसके बाद है कि आपको बैलेंस करना है हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। अब मैंने बताया था, देख लो, कि हाइड्रोजन एच टू होता है, क्लोरीन सी एल टू होता है, हाइड्रोक्लोरिक मतलब एक हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, क्लोरीन पे नेगेटिव। कितना हाइड्रोजन चाहिए एक क्लोरीन को, एक ही चाहिए, मतलब फार्मूला क्या बनेगा, HCl, तो ये बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड। कौन सी फॉर्म है, गैसियस फॉर्म, कौन सी फॉर्म है, गैसियस फॉर्म, कौन सी है, ये भी गैसियस फॉर्म है, तो हमने स्टेट भी दिखा दिए इनके। अब रिएक्शन देखो, दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, दो से, तो ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ईजी काम था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है बच्चों बैरियम क्लोराइड। अब बैरियम क्या होता है, बी ए, क्लोरीन क्या होता है, सी एल, क्लोरीन पे होता है माइनस वन चार्ज और बैरियम पे होता है बच्चों प्लस का टू चार्ज, क्लियर। तो इसका मतलब एक बैरियम को क्या चाहिए, एक बैरियम को कितने क्लोरीन जो हैं वो ऐड करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये है कि बैरियम क्लोराइड के अंदर एक बैरियम के साथ कितनी क्लोरीन यूज करनी पड़ेंगे हमें, दो, तो मतलब सर ये बन गया बैरियम क्लोराइड, इसका फार्मूला BaCl2। प्लस में इसने लिखा एल्यूमिनियम सल्फेट, प्लस में क्या लिखा, एल्यूमिनियम, तो ये है एल्यूमिनियम, ये होता है सल्फेट। और क्या था कि सर एल्यूमिनियम पे तो प्लस का थ्री चार्ज होता है और सल्फेट पे कितना होता है, माइनस का
टू चार्ज, इसका मतलब मुझे एल्यूमिनियम को टू से मल्टीप्लाई और सल्फेट को कितने से, थ्री से, ताकि माइनस का ही सिक्स हो जाए और प्लस का ही कितना, सिक्स। मतलब एल्यूमिनियम कितना लेना पड़ेगा बच्चों, दो। SO4 कितने लेने पड़ेंगे, सल्फेट थ्री लेने पड़ेंगे। तो ये था हमारे पास बैरियम क्लोराइड प्लस में एल्यूमिनियम सल्फेट, जिससे क्या मिलता है आपको, बैरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब बैरियम और सल्फेट है ना, ये माइनस टू ये प्लस टू, इसका मतलब दोनों पे चार्ज इक्वल है। मतलब फार्मूला क्या बनेगा बैरियम सल्फेट का, BaSO4। और एल्यूमिनियम क्लोराइड तो अभी बताया था क्या था, AlCl3 था। क्लियर बच्चों बात ये, तो आइए अब हम इसको बैलेंस देखते हैं करके कैसे होता है ना। पहले ना आप इस ब्रैकेट वाली चीज़ को देखो, बड़ी है, एक साथ ना काफ़ी सोल्व हो जाएंगे। जैसे एक सल्फर है, चार ऑक्सीजन है, लेकिन ब्रैकेट में तो एक साथ होते हैं। यहाँ सल्फेट पूरे कितने हैं बच्चों, तीन है, और यहाँ सल्फेट कितना है, एक। तो मैंने तीन से मल्टीप्लाई किया, जब इसे तीन से किया तो बैरियम कितने हो गए, थ्री हो गए, लेकिन इधर बैरियम वन था तो यहाँ भी थ्री से मल्टीप्लाई किया। अब देखा कि क्लोरीन कितने हैं, सिक्स हैं, लेकिन यहाँ क्लोरीन कितने हैं, थ्री हैं, तो टू से मल्टीप्लाई किया। जब ये सिक्स हो गए तो एल्यूमिनियम कितने हैं, टू, और इधर भी एल्यूमिनियम कितने हैं, टू। इसका मतलब रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड है। क्लियर, तो ये था सेकंड पॉइंट इसका। थर्ड है कि सोडियम प्लस वाटर, क्या है आपके पास, सोडियम है, वाटर है, क्या करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में क्या करेगा, H2 गैस का लिब्रेशन कर रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में क्या दे रहा है आपको, H2 हाइड्रोजन गैस का लिब्रेशन दे रहा है, ठीक है ना। ये पता है प्लस का वन माइनस का वन इक्वल है, तो एक एक चाहिए। तो देखिए बैलेंस देखते हैं करके इसको, यहाँ देखें तो हाइड्रोजन कितने हैं, दो और एक, मतलब हाइड्रोजन हो गए तीन। इधर हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, दो हैं। तो सर दो और तीन को कैसे बैलेंस करें, नहीं हो रहा ना। लेकिन अगर इवन नंबर होता तो हो जाता। मेरे कहने का मतलब है कि अगर मैं क्या करता, पहले यहाँ दो करता, खुद सोच लो, आप खुद देख लो एक बार, मान लो इधर तीन है, आपने इधर दो से भी मल्टीप्लाई कर दिया तो फोर हो गया, लेकिन उधर तो थ्री है, कैसे करेंगे। उधर अगर फोर होता है तो यहाँ पर दो से मल्टीप्लाई करके करेंगे, है ना। अगर मान लो आप यहाँ पर तीन से मल्टीप्लाई करते हो तो थ्री टू जाए यहाँ कितने हो जाएंगे, सिक्स। अब वहाँ पर मान लो सोच लिया कि सर सिक्स हो गए, ये सिक्स हो गए ना, ये तो पड़ा है सेवन है, मतलब ओड नंबर में तो कर नहीं सकते। तो हमने क्या किया इसको बैलेंस करने के लिए, जो क्या था आपके पास, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में क्या था, H2 ना। मैंने ऐसा किया कि सर पहले इसको दो से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गए दो, और दो कितने, चार, तो इधर दो लगा दिया। अब ऑक्सीजन कितने हैं, दो हैं, तो इधर भी ऑक्सीजन कितने हैं, ये रहे दो हैं। सोडियम कितने हैं, दो हैं, इधर एक है, तो कितने से मल्टीप्लाई किया, दो से। तो ये हमारे पास क्या हो गई, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन गई इसकी। क्लियर, थर्ड क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद द स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको सिंबल्स भी बताने थे, जैसे ये सोडियम है, ये लिक्विड है ना, ये एक्वस है, ये कौन सा है, गैसियस फॉर्म है। बैरियम क्लोराइड इसने बोला था कि एक्वस फॉर्म के अंदर है, ये एक्वस था, सारे ही एक्वस फॉर्म के अंदर दे रखे थे ये, ठीक है। तो इसने बोला कि बैरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, पिछली बार क्या था बैरियम क्लोराइड, ये था, प्लस में इसने लिखा है एंड सोडियम सल्फेट। अब वो देखते हैं कैसे बनता है, सोडियम क्या Na, सल्फेट क्या SO4, माइनस का 2, प्लस का 1, कितनों लो सोडियम, दो ले लें ताकि दो हो जाए। मतलब सोडियम सल्फेट का फार्मूला क्या होगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट। इन वाटर, वाटर का मतलब क्या होता है, अभी बताया था कि कौन सा है, एक्वस सॉल्यूशन है, कि बैरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। रिएक्ट्स टू गिव इनसोल्यूबल बैरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, आपको क्या बना करके देते हैं, बैरियम सल्फेट मतलब BaSO4 एंड सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl। क्लियर, तो करें बैलेंस, देखिए यहाँ सल्फेट एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ क्लोरीन दो है, तो हमने दो से मल्टीप्लाई किया, सॉरी सोडियम, तो क्लोरीन कितने हो गए, दो हो गए, तो यहाँ भी कितने हैं, दो हैं। यहाँ बी ए एक है, यहाँ भी बी ए एक है, इसका मतलब रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। कुछ समझ में आया बच्चों बातें, तो ये है हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है और इनको हम बैलेंस कैसे करते हैं। तो इसके बाद बच्चों आप जो है वो घर पर ट्राई करना, इसका एन सी ई आर टी का जो क्वेश्चन है
मतलब हमारे जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है इसमें से क्वेश्चन नंबर 6 जो है सिर्फ और सिर्फ बैलेंसिंग के बारे में। आप खुद अपनी तरफ मतलब तरफ से ट्राई करना इस क्वेश्चन को, अगर होता है तो ठीक है, बाकी हम इसको टेक्सचुअल क्वेश्चन के अंदर तो करने वाले ही हैं। ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो है सिर्फ और सिर्फ कि इनको बैलेंस कैसे करते हैं। क्लियर बच्चों बातें? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल जो है वो हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में करेंगे कि रिएक्शन कितने टाइप की है। चलिए, थैंक यू।